नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, पूरे 30 साल के बाद अब आपकी लाइफ में आएगा बहुत बड़ा बदलाव और शनिदेव अपने घर में आ चुके हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हैं और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने को तैयार। 24 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन कर अपने घर में आए हैं और आप मेष राशि वालों बस ये समझ लें, सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है और ये राजयोग जीवन में छप्पर फाड़ ऊंचाइयां तो देगा ही, ये तो आपको पता ही है। और इसके साथ ही 7 फरवरी से ही आपका भाग्योदय भी हो रहा है, क्योंकि मंगल देव जो आपके राशि के स्वामी हैं आपका भाग्योदय कर रहे हैं। भाग्य स्थान पर भाग्य इसके साथ बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे और सरस्वती योग भी बना रहे हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। जो करना चाहते हैं आप करिए, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। इस बीच अगर आपका कोई एग्जाम है, आपके रिजल्ट आने हैं, यकीनन आपके पक्ष में आएंगे। दूसरी बात, शनिदेव यहाँ पर आपको जॉब तो देंगे ही, दिलाएंगे ही, आपका करियर को ग्राफ बहुत ऊँचा जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगा, उच्च पद राजपद यानी सरकारी नौकरी, अगर आप व्यवसायी हैं कारोबारी हैं तो आपको बहुत लाभ। अगर आपका फैक्ट्री इंडस्ट्री है तो आसमान की ऊंचाइयों को आप छू रहे हैं, खासकर शनिदेव वाले क्षेत्रों में अगर आपका काम है, लोहा खनन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कबाड़, माइनिंग, कोयला, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस या फिर पार्ट्स के कारोबारी हैं, तो बस ये समझ लें बहुत ही बेहतर और बेहतरीन पल आपके जीवन में आएगा। वैसे भी ये आपके लिए जो सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है ना, पूरी लाइफ को बदलने वाला है। और सस नामक महापुरुष राजयोग व्यक्ति को राजा के समान बना देता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आपके सपनों से भी परे होगा, सोच से परे होगा, ऐसा कुछ आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। साथ ही पूरे 2.5 साल तक दशम भाव के अंदर शनिदेव स्वराशि में चलेंगे और जुलाई 2022 तक ये समय बहुत अच्छा है। आप जी तोड़ मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस राजयोग का फायदा आपको मिलकर रहेगा। इसके और अगर हम आगे बढ़ें तो ये तो था फरवरी का समय। वैसे आपके लिए मार्च का महीना भी बेहतरीन है और ऊंचाइयां तो मिल ही रही है। आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रोज़ शाम में अगर आप चाहते हैं कि इस राजयोग का बेनिफिट आपको मिले, रोज़ शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें। याद रखें, शाम में कीजिएगा, ज़्यादा फल मिलेगा। शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल बिल्कुल भी ना सेवन करें, हो सके तो लहसुन प्याज भी इस दिन ना खाएं। तीसरी बात, आप का यहाँ पर चूंकि भाग्योदय हो रहा है और मंगल देव यहाँ 7 फरवरी से भाग्योदय कर रहे हैं, तो ऐसे में रोज़ सुबह नहा धोकर भगवान सूर्य को प्रणाम करिए और कभी भी एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ रहेंगे बजरंगबली। वैसे भी हनुमान जी का साथ मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 30 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जब शनिदेव के साथ आएंगे मकर राशि में, तब बनाएंगे नीच भंग राजयोग और आपकी लाइफ में आएगा पूरी तरह से बदलाव। नीच भंग राजयोग में अपार पैसा आता है, धन तो आएगा भर भर कर आएगा, समय का सदुपयोग आपको करना होगा, क्योंकि कर्म फलदाता देने पर तो आए हैं पर आप कितना ले सकते हैं, आप में कितना काबिलियत है, ये आपको तय करना है। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, खासकर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 11th के, 12th के बोर्ड एग्जाम है जिनके, उनके लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि पढ़ाई में मन भी लग रहा है और आपके एग्जाम भी अच्छे जाएंगे, लेकिन मेहनत करना होगा। अब आप सोचोगे समय अच्छा है तो नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता, समय का फायदा उठाइए। बिल्कुल आगे भीड़ को चीरते हुए आपको निकलना है और इस समय का आपको सदुपयोग करना है। हालांकि 11 मई को शनिदेव वक्री होंगे और 14 मई को देव गुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तब शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आएगी, पर चिंता ना करें, क्योंकि चीज़ें उतनी भी आपके हाथों से दूर नहीं जाएगी, क्योंकि किस्मत का साथ आपके साथ है। तो ऐसे में
थोड़ी सी यहाँ पर आपको शांत रहकर चीज़ों को समझना होगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें, ऊंचाइयाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। 23 सितंबर को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे और साथ ही 20 नवंबर को एक बार फिर देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ आएंगे मकर राशि में राशि परिवर्तन कर और बनाएंगे नीच भंग राजयोग। छप्पड़ फार ऊंचाइयाँ, ढेर सारी सफलताएँ और खुशियाँ तो है ही। तो हम आपसे विदा लेते हैं, समय का फ़ायदा आपको उठाना है। हर हर महादेव।